दोस्तों आज क्या हुआ है, मैं 5 गांव में टहल चुका हूँ। वैसे भाई लगता है आज पूरा कपड़ा मेरा नाश हो जाएगा, क्योंकि भाई किसी तरह मैं पन्नी तो डाल दिया कपड़ों से निकाल निकाल के। और भाई अभी दूर दूर तक घर नहीं है, क्योंकि भाई रास्ते। हेलो गाइज, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज भाई बहुत देर ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 12:17 बज गए और अभी आज लेट में था, क्योंकि आज जाने वाला नहीं था मार्केट और बाहर बारिश का मौसम बहुत तेज़ था, तो बादल बहुत ज़्यादा था, तो अभी धूप थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो अभी भाई मैडम जी को दे दिया हूँ बांधने के लिए, आज इनको इन्हीं से बनाएंगे। तो अभी पूरा बैग वगैरह लगा दिया हूँ भाई पूरा अच्छे से। फिर भाई आज जो पेटीकोट लाया था वो अभी एक दिन लग गया, बाकी सेल नहीं हुआ है, अभी सारा पेटीकोट है। तो थोड़ा आज कपड़ा ज़्यादा रख लिया हूँ, आगे भी टी शर्ट रख लिया हूँ, ये है स्टॉल है, और साथ में भाई प्लाजो अलाजो इसमें का सारा बिक गया है। बस 4-5 पीस ये मतलब लड़कों का है पैजामा, और ये बाकी पीस है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी बेच लूँ, ताकि नया माल भराऊँ, क्योंकि ठंड का मौसम भी आ रहा है, तो ठंड का कपड़ा उठाना पड़ेगा तो ठंड के मौसम में। और इधर देख सकते हो किस तरह बांधा जा रहा है भाई, सही से बांधा, सही से इधर ऐसे करके ऐसे करके। हाँ अब सही से बांधा, आज तो अब नहीं बांध पाओगे ना तो तुम फेल हो जाओगे आज, देखता हूँ। रोज़ हमको बहुत बताती थी पहाड़ा किस तरह बांधे किस तरह बांधे। ये उधर वो गाँव पप्रू बिसारे वाले सुनेंगे क्या इसको? आप देखा भाई, तो उधर क्यों घुमा रहे उधर को? हम इधर से चढ़ेंगे, जो गाड़ी पे चढ़ेंगे तो भाई इधर से बटन दबाएंगे, इधर से ये बटन है तो, और यहाँ थोड़ी दबा भाई। जिसको भी फेरी, जो भाई फेरी काम करना चाहता है, पहला नंबर हारन बांधना सीख ले, और सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि एक बम्फर लगवाना पड़ेगा आपकी गाड़ी में, और इसको पहले ऐसे मुद्दी बनाओ, इस तरह ऐसे मुद्दी बनाओ इसको, पता है, और इसको यहाँ से टाइट कर दिया, और फिर इसको एक बार इधर से लाओ, है ये मिट्टी ना लगे पाओ कर भाई, थोड़ा दिक्कत आ जाती है। अब इसको इस तरह बांधो, फिर इधर लगाओ हल्के हाथ से, उसके बाद इसी में टाइट कर दो, छोड़ के भाई ऐसे बांधो, फिर ऐसे टाइट कर दो, अब कहीं ना जाएगा, ये जान लो सांड है क्या, तोड़ा के भागेगा। खाना थोड़ा घट कर, बुद्धि ज्यादा दिमाग में आ जाए, कहा समझा ये समझा तो आज तुमको भेजेंगे कपड़ा बेचने के लिए, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज तुम ही लेके जाओ गाड़ी, आज तुम बेच के चलाओ, सिखा दिया भाई। तो भाई इसको अभी बंद के, ये भाई बंद गया मेरा, अब इसको हिला डुला के देखो, अब भाई ये अच्छे से बंद गया, अब कहीं ले जाएगा। तो बहुत साफ बंद गया। तो भाई अभी बारिश का मौसम है, अभी देख सकते हो बादल कितना तेज है बादल, और अभी पन्नी वन्नी रख लेता हूँ, क्योंकि भाई बारिश आएगा तो हमारा कम से कम कपड़ा तो भीगने से बच जाएगा। तो अभी मैडम को भेजा हूँ पैसा लाने के लिए, जो पर्स कमर में बांध लेके जाता हूँ, और वहाँ उसमें से पैसा वैसा जो बिकता है तो पैसा रखने में आसान होता है, क्योंकि कहीं गिरता नहीं, कई बार मेरा 200-400 रुपया गिर भी गया है जल्दी जल्दी जेब से। तो अभी तो भाई ये है मेरा पैसा रखने वाला, और इसमें भाई लिखा ओम नमः शिवा जय शंकर जी। तो इसमें पैसा वैसा रखने में बहुत आसान होता है, क्योंकि इसको ऐसे कमर में बांध लेते हैं भाई कमर के साथ। ओए दे भाग ना, कहाँ भागोगी लक्ष्मी माता। तो भाई इसको इसी में बांध तो फिट है, और जेब में रखता तो हार निकालता तो पैसा नीचे गिर जाता कई बार सरक के, तो इसमें कहीं नहीं जाता, तो पैसा आराम से इसमें रख लेता हूँ, इसके बाद फिर निकाल के दे देता हूँ जो भी होता। तो चलो फटाफट चलते हैं दोस्तों आगे। फिलहाल मैं निकल पड़ा हूँ घर से, और रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है हमारे गाँव भाई का। भाई अभी धूप बिल्कुल नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी देख सकते हो मौसम किस तरह है, पूरा बादल छाया हुआ है। तो भाई आज सोचा हूँ ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मौसम ख़राब है, अगर दूर जाऊँगा तो हो सकता है बारिश होने लगे तो वापस आने में दिक्कत हो जाएगा। तो चलता हूँ 10-15 किलोमीटर के अंदर में रहूँगा,
देखता हूँ ऊपर वाले की दुआ से कुछ आज मिलता है नसीब में, कुछ होता है कि नहीं है, क्योंकि मौसम तो बहुत ख़राब है। और दोस्तों आज जन्माष्टमी भी है, तो लोग आज अपने अपने मतलब जो मनाते हैं जन्माष्टमी वो उसमें लगे होंगे। तो देखता हूँ कृष्ण भगवान का कुछ कृपा आज हमारे ऊपर होता है कि नहीं होता है। तो चलो चलते हैं फटाफट भाई। आ गई आ गई आ गई, कपड़े बेचने वाली गाड़ी आ गई। जी हाँ दोस्तों, आज क्या हुआ है, मैं 5 गांव में टहल चुका हूँ। वैसे गांव में तो पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी रोडों पे पानी आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी यह नया रोड बन रहा है, इस पर जो पानी हल्का हल्का आपको दिख रहा है, तो गांव के अंदर कितना पानी गलियों में होगा। तो भाई जो पक्की पक्की सड़क है उधर उधर से निकलता हूँ, लेकिन आज तक तो अभी तक तो कोई लेडीज़ कपड़ा लेने के क्या वजह कोई मुँह भी नहीं लगाया है, तो कोई बात भी नहीं कि हाँ भैया मुझे कुछ चाहिए, पसंद है कि नहीं पसंद है। रोज़ तो होता था, देखते थे नहीं लेते थे, वो बात जाहिर सी थी, लेकिन आज तो बिल्कुल कोई टोंका भी नहीं है कि भाई कपड़ा लेना है कि नहीं लेना है। तो भाई क्या हो गया, आज कुछ समझ में नहीं रहा है। तो अभी आके इधर थोड़ा सा 5-6 गाँव में रेस्ट घूम के रेस्ट कर रहा हूँ, ताकि हमारे गाड़ी का फ्यूल थोड़ा कम हो जाए, वरना अगर मीटर चलता रहा तो ऐसे पूरा दिन में 2-3 लीटर तेल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कमेंट करते हैं भाई कि मैं भी फिर काम करना चाहता हूं, और माल कहां से लाऊं और कैसे लाऊं ये कुछ बताइए भाई। तो मैं इतना जानकारी देना चाहता हूं, आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए, माल को अपने आप पता चल जाएगा भाई माल कहाँ से लाना है, फेरिक काम करना है कि नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप जोश जोश में फेरिक काम उठा लो और बाद में आपको भुगतना पड़े, वो भी माल बेइज्जती करा के सारा गांव में फेंक कर जाना पड़े परदेश। तो ऐसा गलती नहीं करना दोस्तों, ताकि आप लोगों को मालूम चले कि भाई कि हाँ इसमें कुछ सेल होता है कि नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ बताऊँगा, कभी कभी ऐसा ऐसा दिन आता है कि भाई 1 रुपये का बोनी नहीं होता, क्योंकि अभी बिल्कुल सीज़न नहीं चल रहा है, कि जो 2-3 महीने का दिन होता है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप गांव-गांव में जा रहे हो, आप कुछ भी नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं नाश्ता करोगे, अगर आपका तो तेल लगना लगना है, आपका दिन का दिहाड़ी जो जाएगा जाएगा, लेकिन जेब से भी जाता है, क्योंकि भाई उतना फ्यूल 100 रुपये लीटर है। तो आपको समझ लो कि 3-4 गांव घूमने में 1 लीटर खर्चा हो जाता है। तो भाई सोच समझ के फेरी काम में आना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलो दोस्तों आगे निकलते हैं भाई दूसरे गांव में। भाई जोर से बारिश होना स्टार्ट हो गई, और फटाफट कहीं घर मिलता है तो वहीं खड़ी करते हैं, नहीं तो कपड़ा सारा भीग जाएगा, और तेज में बारिश आ रहा है पीछे। इधर कहीं तो भाई एक गांव है, गांव के बगल में खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ कहीं भी मतलब वो सारा टाइप नहीं बना कि उसके नीचे गाड़ी खड़ी कर दूं। और आज के गांव में बहुत दहला मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इधर साइड में लगा के फटाफट अपना जो भी कपड़ा खुला था बैग के अंदर रख लेता हूँ, ताकि कुछ तो बचा हो जाए, क्योंकि बारिश आ गया तेज में। आप लोग देख सकते हो कि भाई कितना बारिश हमारे बैग के ऊपर गिर रहा है, हाथ में गिर रहा है, तो काफ़ी परेशानी होती है भाई ऐसे मौसम में। तो अगर आपकी दिहाड़ी बने ना बने, लेकिन ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि भाई पूरी तरह से दिमाग चक्कर हो जाता है। तो भाई अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अगर ये नहीं काम करेंगे। अगर अच्छा हुआ कि ये हमारा वाटर प्रूफ थोड़ा सा है बैग, इसलिए पानी अंदर जाना मुश्किल है। तो भाई आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मेरा, अगर बारिश थमी नहीं तो पानी पूरा कपड़े के अंदर जाएगा। और अच्छा हुआ कि मैं भागते भागते यहाँ पे आके खड़ा हो गया, वरना मोबाइल कैमरा सारा कुछ भीग जाता। अभी देख तो गाड़ी पे कितना पानी गिर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो आज तो अभी कुछ भी बिक्री भी नहीं हुआ, और इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है भाई, लगता है आज पूरा कपड़ा मेरा नाश हो जाएगा, क्योंकि भाई किसी तरह मैं पन्नी तो डाल दिया कपड़ों से निकाल निकाल के। और भाई अभी दूर दूर तक घर नहीं है, क्योंकि भाई रास्ते में बारिश आ गया, और यहाँ
पाँच पाँच किलोमीटर दूर तक घर नहीं है, तो देखता हूँ भाई कोई घर मिलेगा नहीं तो कहीं पेड़ के नीचे रुक जाएंगे। और भाई मैं तो पूरा भीग चुका हूँ क्योंकि मोबाइल तो डिग्गी में डाल दिया हूँ लेकिन कपड़ा डिग्गी में थोड़ी आएगा, तो चलते भगा फटाफट भाग से भाई यहाँ से क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही है, पूरा रोड गीला गीला है। भाई कहाँ रुके कहाँ रुके, मेरा घर खराब, कपड़ा तो पूरा बर्बाद जाएगा भाई। आज मैं जितना सेल नहीं किया उससे ज़्यादा मेरा नुकसान हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी गेट बंद है, स्कूल है और यहाँ भी गेट बंद है। ये भाई स्कूल है लेकिन ये गेट बंद है, यहाँ अंदर हाल नहीं सकता। और भाई इधर तो बहुत दूर दूर आगे मौसम बहुत ख़राब है। हट हट भाई अब क्या करें, इसी मौसम में गाय भैंस भी आना था। अरे यार कहाँ रुके कहाँ रुके, यहाँ पेड़ों के नीचे रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो भाई यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा पेड़ के नीचे यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि बारिश से थोड़ा बचाव हो जाएगा, क्योंकि ये पानी थोड़ा कम गिरेगा इसके नीचे वरना पूरा कपड़ा ख़राब जाएगा, क्योंकि ये मेरा बैग जहाँ भीगा पूरा नाश हो जाएगा, कपड़ा 20-30 हज़ार का सामान पूरा ख़राब जाएगा। तो ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भाई बारिश ना हो, थोड़ी देर इधर इंतज़ार करता हूँ भाई। तो भाई फिलहाल तो बारिश निकल गया लेकिन हमारा अभी कपड़ा वैसे ढका हुआ है क्योंकि भाई जब बारिश तेज होने लगी थी तो कैमरा मोबाइल सारा डिग्गी में डाल दिया था, नहीं तो पूरा भीग जाता तो काफ़ी नुकसान हो जाता। तो अभी घर पे खोलने में पता चलेगा भाई कपड़ा कुछ भीगा है कि बचा है कि नहीं बचा है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं क्योंकि शाम भी हो गया, आज तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बहुत ही ज़्यादा। तो फिलहाल चलते हैं देखता हूँ क्या होगा घर पे अभी। तो भाई लोग फाइनली अभी घर पे आ गया और देखता हूँ बैग में भीगा है सामान कि नहीं भीगा है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है तो इसमें थोड़ा पानी असर नहीं करता, लेकिन माल तो बच गया दोस्तों, थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ है अभी देख सकते हो। ये साइड में अच्छे से पन्नी लगाया था तो इसलिए बच गया, ये थोड़ा इधर भीगा हुआ है थोड़ा इधर भीगा है, जहाँ जहाँ पर चैन था वहाँ वहाँ भीगा है, बाकी तो बचा हो गया दोस्तों। तो भाई फाइनली अभी घर पे आ गया और आज तो बहुत बचाव हो गया बारिश की वजह से, क्योंकि मैं ऐसी जगह पहुंचा था जहां पर बिल्कुल घर नहीं था। शुक्र करो आज मैं पन्नी लेके गया था छोटी सी, अगर वो पन्नी नहीं होती तो चैन के बीच से पानी पूरा हल जाता और भीग जाता। तो भाई आज इतना नुकसान हुआ, आज 5-6 गांव घूमा हूँ, आज बोहनी तक नहीं हुआ, एक रुपये एक्सेल नहीं हुआ है और शुरू से बारिश होने लगा। तो आज का दिन सबसे बुरा वक्त रहा भाई मेरे लिए, लेकिन क्या करें हम लोग भाई कोशिश कर रहे हैं, गांव में जाते हैं सेल करते हैं बोलते हैं, हारन लगा के रखा हूँ, हर तरह से करते कोशिश, नहीं सेल हो रहा। तो हमारी कोई गलती नहीं दोस्तों, क्योंकि इस समय मौसम भी वैसे है और लोगों के पास पैसा वैसे नहीं रहता गाँव में, तो अभी क्या करें हम लोग, क्या करा है? क्या करा है? इसी तरह रहेगा जिंदगी कैसे पार होगा? तार है कोनो समय अब भादव लागा क्योंकि लगे पैसा हुआ तो क्योंकि नहीं, जैसे अपना मजबूरी है वैसे सबके लगे मजबूरी रहता है। तो भाई चलो लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए कभी भी, अब एक दो महीना सबके लगे पैसा का कमता लगा तो हम कभी कभी निराश हो जाते हैं कि यार ये कौन सा काम पकड़ लिया, ये कौन सा काम मैं करने लगा, कि इसमें कभी कभी सेलिंग बिल्कुल घट होता है और किसी किसी दिन ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा अगर इसी तरह रहेगा तो मेरा सपना कैसे पूरा होगा? क्योंकि लगे पैसा रहा था मैं नहीं रहा था तो ले लिया था, अब क्योंकि लगे अब खा के ये जौन महीना चलता है ये महीना में खा के तंग ही रहा था सबके लगे, जैसे अपने घर सोचे। अरे हम तो कभी कभी जाते तेल का पैसा भी नहीं निकलता तो कभी कभी बहुत दुख होता है दोस्तों, लेकिन क्या करें मजबूरी है, अगर हम अपना काम करते हैं तो परेशानी तो आती आती है, क्योंकि मेरे पास अभी आप लोग पूरे स्थिति में देख रहे होंगे किस तरह हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि एक कदम आगे चलें और हमेशा सोच अच्छी रखते हैं, और भाई इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ
धूप में हो चाहे बारिश हो, जो भी होता है हम हमेशा जाते हैं काम पे। लेकिन अभी दोस्तों थोड़ा सा अभी नया नया व्यापार है तो थोड़ा परेशानी तो होगा, थोड़ा ही बहुत होगा, तो इसलिए अगर हम कहीं पर एडजस्ट हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर चीज़ खुद से बनाया हूँ रहने लिए, तो इसी करके थोड़ा दिक्कत होगा। और आगे ऊपर वाले का जो होगा मर्जी वो होगा, लेकिन दोस्तों आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।